55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा एंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। LIC में बाहरी एवं ग्रामीण एजेंट भर्ती 7000 रुपए हर माह, 25000 से अधिक कमीशन केवल 280 पद, योग्यता 10वीं पास, उम्र 25 वर्ष से अधिक सीमित पद। जल्द संपर्क करें आशीष जैन एजेंट भर्ती अधिकारी 9098012369। दमोह विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया का बड़ा बयान आया सामने। जीत को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कांग्रेस ने फिर अपना गढ़ वापस आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सब दुश्मन कम है, जितनी बड़ी जीत उन्होंने की है, और जीत नहीं समर्थन है, उन्होंने विश्वास जताया हमारे नेता और मेरे पिता में। इसके पहले हम उनका विश्वास जीतने में असफल रहे थे 2018 में। जनता के बीच बने रहे, जनता की मांग पर पार्टी ने उन्हें चुनाव में वापस से लड़ाया, और जनता ने, वो जब बीच में नहीं थे उसके बाद भी इतने भारी बहुमत से समर्थन दिया, उनका बहुत बहुत आभार। 10वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कामना करता हूं कि स्वस्थ रहकर वो पूरा काम करें, 5 साल हम सब उनका साथ दें, वो बेहतर दमों के लिए काम करें। यहाँ पीछे जनता ने जो पिछले चुनाव का करीबन 600 वोटों से 798 वोट से इस बार 51,000 की जीत, 51,000 का फिलअप किया, ये तो जनता है, जनार्दन है, उसका निर्णय है, उसका विवेक है। जो उन्होंने 2018 में अपना निर्णय दिया था वो भी स्वीकार था, सर झुका के, और ये भी स्वीकार है। बात जो होता है, सभी लोग कह रहे थे कि पार्टी के लोगों ने कुछ साथ नहीं दिया, आपने अपनी एक पीटी मदद से तैयार की थी, पार्टी के लोगों ने साथ दिया है नहीं दिया है, ऐसी तो कोई बात नहीं, सबने साथ दिया, सबने काम किया, और पार्टी हम सब चंद लोगों की होती है, 2,40,000 मतदाता है, मतदाता सब देख रहा है, मतदाता आज होशियार है, उसको समझ है कि उसका हित किस में है, सारी बातें हैं, विश्वास की बात है, प्रेम की बात है, उन्होंने अपना प्रेम और विश्वास हमारे प्रत्याशी में दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी में अपनी आस्था व्यक्त की, आदरणीय शिवराज जी की योजनाओं में, नीतियों में, जनहितकारी नीतियों में उन्होंने अपनी समर्थन, अपनी मोहर लगाई, ये सब सारे कारण हुए। और जीत के बाद विकास को लेकर क्या विजन रहेगा? अब ये तो जो प्रत्याशी हैं और जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वही बताएंगे, और वो बात अपनी कह चुके हैं। जो चलती हुई योजनाएं हैं, हर खेत को बिजली और पानी प्राथमिकता है, उसका काम चल रहा है, वो काम आगे बढ़े, कानून व्यवस्था में सुधार हो शहर के अंदर, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, नगर पालिका नियंत्रित होके बेहतर तरीके से काम करें, नगर पालिका का हम पूरा मन से हम साथ देंगे, कोई भी जो योजनाएं राज्य की हैं और जितनी वहाँ से फंडिंग आना है, जो भी उनकी नगर पालिका की योजना है, उनके पूरा उनके साथ खड़े रह के काम करेंगे, भले ही कांग्रेस की नगर पालिका है, पर है तो दमोह। जनता ने चारों सीट पर विजय दिलाई और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो सब वही बातें हैं जो मैं कह चुका हूँ। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की योजना है और जनहितकारी योजना है जो शिवराज जी की है, उसको समर्थन दिया है लोगों ने। क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी की जो सभा हुई थी उसमें कुछ जादू चलाया है? बिल्कुल, क्यों नहीं, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के जहाँ चरण पड़ते हैं उसमें एक अलग ही माहौल है, मोदी है तो मुमकिन है।